हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पटेल ग्रीन स्टूडियो से। आप लोग की कई बार रिक्वेस्ट आ रही थी कॉल पे भी, आप लोग बोल रहे थे कि सर आप अपना सारा वीडियो जो है तमिल में या फिर तमिल के गाने पे ही लगाते हो, कभी हिंदी में नहीं बनाते हो। तो हम लोग को समझ नहीं आता कि ये लोगिंग कैसे किया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के लिए मैं एक वीडियो हिंदी में बनाऊँ जो कि मैं खुद से ही करूँ। तो इसलिए आज मैं लेके आया हूँ ये लोशन ईयर होल ट्रीटमेंट, जो कि हमारा खुद का ही ब्रांड है और हमारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। सबसे छोटा पैक जो आता है वो होता है 10 से 12 लोगों के लिए, जिसको हम 2700 रुपये 2700 का देते हैं, जो कि ये है। और आज मैं इसी से आपको करके दिखाऊंगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप सर हमेशा बड़े वाले पैक कर दो, जो छोटे वाले पैक नहीं कर दो। तो पैक में हमारा कोई मतलब डिफरेंस नहीं होता है प्रोडक्ट में, सिर्फ पैकिंग हमारा जो है अलग अलग है। वो इसलिए आपकी सुविधा के लिए भी, आप कभी कभी बोल देंगे हमारा बजट सर कम है, हमें कम बजट के प्रोडक्ट चाहिए, तो इसीलिए हमने जो है छोटा पैक बना रखा है कि आप लोग जो चाहें वो खरीद सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि हमारे पास बजट कम है तो हम नहीं खरीद सकते हैं। तो सबसे छोटा पैक जो है 2700 का है, और इससे जो बड़ा पैक आता है वो 4500 रुपये 4500 का है, और उससे भी एक बड़ा पैक आता है जो कि 5500 का है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या रहता है। अगर आप किट लेते हैं हमारा सबसे छोटा पैक, उसमें सिर्फ हमारा प्रोडक्ट ही जाता है 2700 में। बाकी अगर आप 4500 का 4500 या 5500 वाला पैक लेते हैं तो उसमें आपको सारा किट मिलता है। किट में हमारा ये लोग लोशन रहेगा, और एक H2O की बॉटल रहेगी जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, और टूथपिक का एक पैक रहेगा। टूथपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जिसके बिना तो हम ये लोग खरीद नहीं सकते हैं। और फिर हमारा सर्जिकल टेप होता है। सर्जिकल टेप क्या है कि पेपर टेप होता है, लेकिन ये जो होता है मेडिकल लाइन में होता है, ना कि नॉर्मल पेपर टेप होता है। और फिर हैंड ग्लव्स, हैंड ग्लव्स हमारे वर्क के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट होता है काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी इफेक्टिव है। हमने इफेक्टिव होने की वजह से इसको काफ़ी हार्ड बना रखा है, इसलिए हमें यहाँ दूसरा हैंड ग्लव का यूज़ करना चाहिए, जो कि हमारे स्किन के लिए भी फायदेमंद है और जिसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके लिए फ़ायदेमंद है। पेपर टेप है, इसको काटने का काम आता है, जिसको हम बाद में बैंडेज करते हैं जिससे हम। तो आप तो समझ गए क्या क्या हमारा प्रोडक्ट है और इसमें क्या क्या चीज़ लगता है हमारी ये लोगिंग के रूप में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास एक ये लोग की कस्टमर आए हुए हैं, तो ये लोग नहीं से हम स्टार्ट करें। आपको मैं सारा डेमो करके दिखाऊंगा और कैसे लगाना है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, सारा मैं बताते जाऊँगा वीडियो में। इसमें मेन होता क्या है कि आपको ये लोग लगाना रहता है, ये लोग लगाने के बाद में आपको केयर करना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है कस्टमर की केयर करके रखें, कभी पानी उसमें न जाने पाए। जितने दिन भी आप 6 से 7 दिन लगाना रहता है, 6 से 7 दिन तक आप लगाएंगे, उसके उस टाइम के बीच में कभी पानी नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद फिर दोबारा आप बैंडेज करेंगे, खोल के दोबारा आप लगाएंगे ये लोग, तो उस टाइम पे फिर 6 से 7 दिन रखना पड़ेगा, और उस 6 से 7 दिन तक फिर से पानी नहीं जाना चाहिए। पानी जाने से वो सड़न बना देता है। बाकी हमारी ईयर लोब से ईयर होल भी भर जाएगा, और किसी किसी की वजह से कान पूरा कट के अलग हो जाता है, नीचे साइड में पूरा यहाँ पे आप देखेंगे पूरा कट के अलग हो गया रहेगा, तो हमारी ईयर लोब से वो भी जुड़ जाता है। जो दो पार्ट में हो गया रहता है ना, वो भी सारा जुड़ के नेचुरली जो होता है वो नेचुरल तरीके से जुड़ जाता है। तो फिर वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो कस्टमर आए हैं वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, और मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आपको मैं सारा चीज़ें करके बताते जाऊँगा कि क्या होता है, कैसे लगाना रहेगा, और आपको सावधानी क्या क्या बरतनी पड़ेगी लगाते टाइम पर, लगाने के बाद में। तो बस स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा ये छोटा पैक है, छोटा पैक जो होता है वो 2700 का है, जो कि यूजुअल फॉर 10 to 12 पीपल, जिससे कि आपके 10 से 12 लोग का हो जाता है ये लोगिंग। और ये सर्जिकल टेप है, सर्जिकल टेप में कई मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारा बड़ा पैक लेंगे तो हम आपको फ्री बड़े पैक के साथ में देते हैं। और H2O2 वाटर है, जो कि पहले क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, फिर बाद में जब बैंडेज हटाएंगे तो उस टाइम पे आपको बैंडेज को गीला करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हैंड ग्लव्स है, हैंड ग्लव्स में क्या है कि आपको हमेशा पहने के रखना पड़ेगा। जब भी आप ये लोग करेंगे उसके पहले आपको बॉटल खोलने से पहले ही आपको पहनना पड़ेगा, बॉटल क्या है कि उसमें केमिकल जो है कभी कभार थोड़ा बड़ा बाहर रहता है, तो आपको काफ़ी हानिकारक है। अगर आपकी स्किन पर लगता है तो स्किन आपकी बाहर निकल के आ जाती है। और सबसे पहले हम H2O2 वाटर से जो होल एरिया है उसको अच्छे से साफ करेंगे। क्लीन करना यहाँ पे क्या है कि अंदर बाहर दोनों तरफ से आप क्लीन करें, ताकि अच्छे से होल जो है ना वो क्लीन हो जाए उसमें। और उसके बाद में फिर हम ये लोब जब फिल करेंगे ना, तो ये लोब जो है प्रॉपर तरीके से आ जाए पूरे में।
ईयर लोब का जो पैकिंग हम करते हैं उसमें पैकिंग का हम काफ़ी ध्यान रखते हैं, इसलिए काफ़ी हार्ड होता है ताकि रास्ते में कभी भी टूट फूट ना हो पाए या फिर ईयर लोब का नुकसान ना हो, तो इसलिए हमने पैकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रखा है। इसमें कोई भी आपको चांस नहीं टूटने पर, अगर टूट फूट भी बॉटल जाएगा तो आपका ईयर लोब कभी गिरेगा नहीं। तो आप इसको हैंड ग्लव्स पहन के अच्छे से पहले इसको आपको बॉटल ओपन करना है, ऊपर जो है सेलो टेप रहता है स्लेट को आपको निकालना रहेगा, जो आप इजीली आप आराम से आप निकालिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करना है इसमें, क्योंकि अगर ये लोग जल्दबाजी करें तो ये लोग गिर जाएगा बॉटल से। और फिर ये लोग बॉटल जब खुल जाएगा सेलो टेप हटा देंगे, उसके बाद फिर हमें टूथपिक लेना है। टूथपिक ले करके टूथपिक को अंदर बॉटल में डालिए और उसको पूरे अच्छे से एक बार घुमाइए बॉटल में, उसमें थोड़ा थोड़ा सा लगा रह जाएगा जैसे पानी के जैसा होता है। पहले ये क्या है कि क्रिस्टल फॉर्म में होता है हमारा ये लोब, और जब आप इस बॉटल ओपन करते हैं तो ये लिक्विड में आ जाता है। तो ये नहीं कि हमें पूरा लिक्विड में आने का इंतज़ार करना है, इंतज़ार नहीं करना है हमें, बस एक मिनट आप खोल, जब तक आप खोलेंगे तब तक ये लिक्विड में थोड़ा बड़ा आ जाता है। तो उसके बाद आपको टूथपिक ले करके उसको अच्छे से घुमा लेना है, टूथपिक में थोड़ा थोड़ा पानी जैसा लग जाएगा, उसके बाद फिर आपको ईयर होल में जो है पूरा राउंड राउंड करके घुमाना है, और अच्छे से घुमाइएगा। दो से तीन बार आपको एक बार करना रहता है, आप जितनी बार भी आप करेंगे, एक राउंड आप जब घुमा लेंगे फिर दोबारा राउंड के लिए फिर से आपको बॉटल लेना है, बॉटल में फिर से आपको टूथपिक डालना है, उसमें जब लग जाएगा थोड़ा सा फिर आपको दोबारा से खोल के चारों ओर घुमाना है। ऐसा तीन बार बाहर साइड से कीजिए और तीन बार पीछे साइड से कीजिए ईयर होल के। और इसमें खास ध्यान रखिए कि कहीं पे भी शरीर में कभी भी स्किन में लगना नहीं चाहिए कहीं पे कस्टमर के या आपकी स्किन पे, क्योंकि जहाँ पे भी लगेगा ये स्किन को वहाँ से हटा देता है, मतलब स्किन क्या है निकल के आने लगती है बाहर जो है, तुम नहीं आती लेकिन एक दो दिन के बाद में स्किन जो है निकलने लगती है। तो आपको इस बात का काफ़ी ध्यान रखना है कि आपको कहीं शरीर पर नहीं लगने देना है। फिर आप पीछे साइड से देखिए, आपको पीछे साइड से सेम ऐसे ही करना है, राउंड राउंड करके आपको घुमाना है, और हर बार जब आप राउंड घुमा लेंगे दो से तीन बार, उसके बाद फिर आपको फिर से बॉटल में टूथपिक डाल के फिर से आपको ईयर लोब का लोशन लगाना रहेगा। फिर से आप दोबारा जब एक कान खोले दूसरे कान का भी सेम प्रोसेस से ही आपको करना है, पहले आगे साइड में लगाइए तीन बार, फिर आपको पीछे साइड में तीन बार लगाना रहेगा। थोड़ा सा इसमें लगाते टाइम पे क्या है कि जलन होता है हल्का हल्का सा, और जब आप लगाएंगे तो ये वाइट वाइट कलर का थोड़ा सा कलर आ जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा ईयर लोबिंग जो है सही से हो रहा है। और फिर आपको बैंडेज ले लेनी है, जो कि हमारा सर्जिकल टेप है, उसको थोड़ा छोटा छोटा सा काट के आप अपने हाथ पे लगा लीजिए, उसके बाद एक एक करके पहले आप कान को अच्छे से पकड़िए, वहाँ पे जो होल रहेगा उसको आप जोड़ करके फिर उसके बाद उस पर टेप लगाना रहेगा। तो अभी आप देखिए यहाँ पे अच्छे से ईयर लोब लग गया है, और अब हमें इस पर टेप लगाना है, जो सर्जिकल टेप है ना वो लगाना, पेपर टेप। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लग गया है, अब इसको हमें क्या है पकड़ के अच्छे से जोड़ना होगा कान को, दोनों एरिया जो है ना होल के वो जुड़ जाने चाहिए, और जुड़ जाने के बाद फिर उसे हमें ऊपर से सर्जिकल टेप लगा देना है। और सर्जिकल टेप मतलब एक ही लगा के नहीं रखना है, दो तीन छोटे छोटे आप काट के जो रखेंगे ना उसको दो तीन बार आप लगाइएगा एक जगह पर। क्या होता है कभी कभी ये सर्जिकल टेप जो होता है वो हैंड ग्लव्स में चिपक जाता है, तो आप उसको हल्के से छुड़ा लीजिए, और उसके बाद फिर आपको जो ईयर होल है उसको अच्छे से पहले जोड़िए, उसके बाद फिर वहाँ पे सर्जिकल टेप को चिपका दीजिए। काफ़ी इजी प्रोसेस होता है, इसमें कोई ज़्यादा वैसा है नहीं, पर क्या है कि आप इसको जब भी आप करेंगे तो थोड़ा सावधानी से करना होगा, बाकी एकदम इजी होता है। आपने खुद देखा कि यहाँ पे मुझे मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगे ईयर लोबिंग करने में। तो आपको दो तीन बार जो है सर्जिकल टेप लगा देना है उस पर, पहले एक बार मैंने लगा दिया तब दोबारा मैंने लगा रहा हूँ, इसके बाद फिर एक बार और लगा दूंगा तो तीन राउंड की बैंडेज हो जाती है। और इसको हमें जो है 6 से 7 दिन तक रखना रहता है, पहली बार आप 4 से 5 दिन रखिए, उसके बाद फिर दूसरी बार में आपको 6 से 7 दिन तक रखना रहता है। और इसमें खास कर ध्यान रखा जाता है कि पानी ना जाने पाए। अब किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में क्या होता है कि आपको स्टिचिंग होता है, स्टिचिंग में आपका 2 से 3 महीने तक चलता है मैक्सिमम, और 2 से 3 महीने बाद फिर से खुल जाता है, तो और कॉस्टली भी ज़्यादा होता है, 6 से 7 हज़ार रुपये पड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप हमारा ईयर लोब लीजिए, जो कि आपको सस्ते में, मान लीजिए 2700 का सबसे छोटा पे आप सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के ले रहे हो, तो आपका 2700 में पूरा ईयर लोब जो है
वो आपकी ईयर होल फिर पूरा भर देगा या फिर कान कट गया रहेगा, अलग अलग हो गया रहेगा दोनों पार्ट में, तो उसको भी आपको जोड़ देगा। तो आपका ये सबसे ज़्यादा चीप और बेस्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आपको बस केयर जब लगाएंगे तब आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ नहीं है। जब एक बार वो होल जुड़ गया उसके बाद फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर आपको नेचुरल जो था वैसा सेम हो गया, आप फिर से अपना होल बनवा सकते हैं ईयर पे, और उसके बाद फिर अपना फिर से आप ईयरिंग वगैरह पहन सकते हैं नेचुरली जैसा पहले था वैसे ही। नेचुरली जो होता है वो नेचुरल तरीके से जुड़ जाता है। और हमने जो प्रोडक्ट बनाया काफ़ी इफेक्टिव, और हम इसका गारंटेड 100% गारंटी देते हैं। हमारे 500 से अबव कस्टमर हैं जो कि फुल सेटिस्फाई हैं, तो इसमें हमारे प्रोडक्ट में आपको कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और हमारा जो प्रोडक्ट वो आपको कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों से तरीके से मिल जाता है। कुरियर पर्सन आपके घर जाएगा, घर पे आपको कुरियर के थ्रू आपको कुरियर लोन मिलेगा, तब आप चाहें पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप पहले से पेमेंट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको पार्सल सेंड कर देंगे। तो कुरियर लोन लेने की आपको कोई दिक्कत नहीं।